यह आप देख रहे हैं सफर नया भारत। बता दें कि इन दिनों हजारीबाग में चुंगी कर को लेकर के लोगों में आक्रोश है। आप हजारीबाग के किसी भी नौके पर चले जाएंगे, वहाँ पे 10 से 20 युवा तैनात मिलते हैं चुंगी कर को तसीलने के लिए। तो इसी को लेकर के आज हजारीबाग में नव झारखंड फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सभी को कहा कि आज से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास जारी रहेगा लगातार, जब तक ये चुंगी कर जो तसीला जा रहा है, लोगों से जबरन लिया जा रहा है, ये बंद नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे। उनका कहना है कि ये अवैध तरीके से लिया जा रहा है। एक तो लोग अपने गाड़ी को लेकर के केंद्र सरकार को टैक्स देता है और दूसरा यहाँ पे चुंगी कर ले रहा है, तो ये सरासर गलत है। आप हजारीबाग के किसी भी नौके से गुजरेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि छोटे मालवाहक गाड़ियों से लेकर के बड़े बड़े गाड़ियों तक के अलग अलग शुल्क के सभी का बना हुआ है और उसके अनुसार से वसूली किया जा रहा है। इसको लेकर के केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। यहाँ के जितने भी हमारे झारखण्ड वासी हैं सबको जोहार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण यही है, मैं नव झारखण्ड फाउंडेशन से केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और जहाँ तक देख रहा हूँ कि अभी फिलहाल 23 तारीख से हजारीबाग में चुंगी का नाका बनावल गया है और हमारा लगभग कि 11 जगह पे, हर जगह पे जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आदमी एंट्री करो थी वहाँ ओकरा बैरियर लगवल गया है और बिल्कुल एकदम कोई डिसिप्लिन नहीं है। हाथ में डंडा लेकर के गाड़ी में डंडा से ठोकना है, ड्राइवर के उतारना है और पैसा वसूलना है, ये गुंडागर्दी वाला काम चालू होले है। यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के जो भी है प्रतिनिधि सबसे हम विनती करो ये कि ये ठीक नहीं है। अगर हजारीबाग अगर सही तरीके से देखा जाए तो अगर ग्राम पंचायत के लोग हजारीबाग में नए होते तो हजारीबाग सुना पड़ जाते। हजारीबाग में साग सब्जी से लेकर के जो भी सामान आवो है सब ग्राम पंचायत से आवो है और जब से GST लागू भले इस तरह के कोई भी कानून न है कि ऊपर और थोड़ा कोई चुंगी लगावल जाए, कैसे भी वसूल जाए। हर आदमी GST भर करके सामान ला रहा है, बाहर से ट्रांसपोर्ट वाला भी आ रहा है तो GST भर के आ रहा है और अगर लोकल वगैरह ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी से भेजना है हर दुकानों में अगर चुंगी दियो होते दिन भर में 20 फेरा लगा हुए थे तो फिर सोच ले कि एक महंगाई कितना बढ़ती रहते हैं और ये पूरा आम जनता के ऊपर एक प्रभाव करते हैं। इसलिए हम काफ़ी एक विरोधी है, एक वापस ले लेना चाहिए और नहीं लेते तो हम इन पूरा जितना भी है सारे लोग मिल करके हजारीबाग के आप पूरा जनता से समाज सेवी से और जितने भी लोग हैं ट्रांसपोर्ट वाला है सबको कहेंगे कि भाई एक बार एक साथ बैठ करके और इसका विरोध करके एक वापस भेजे की कोशिश करेंगे। जो लड़के चुंगी वसूल रहे हैं किशोरी जी, उन पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है और देख रहा लिए कि जिस तरह से उन लोग जबरदस्ती, हम तो बताए भी कि डंडा लेकर के उसे गाड़ी में ठोकना, जबरदस्ती करना, दादागिरी करना, ये सब बिल्कुल अभद्र व्यवहार है। इसके ऊपर एकदम बिल्कुल तुरंत अंकुश लगना चाहिए और जब तक यहाँ का जनता का राय जब तक एक साथ में मिल करके नहीं होगा तब तक तो इसको लागू करने के लिए नहीं देना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। रोशनी तिर्की का कहना है कि पहले मैं इस चीज के विरुद्ध थी लेकिन अब चूंकि साथ हूँ, रीजन इसका ये है कि अगर वसूला नहीं जाएगा इस तरह का कर तो हम लोग कैसे मानदेय जो है देंगे उन लोगों को जो यहाँ के कर्मचारी हैं और ये लोगों के लिए ही हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो हजारीबाग नगर निगम में कर्मचारी है उसका कोई बोझ ग्रामीण जनता नहीं उठा लिया है, ट्रांसपोर्ट वाला नहीं उठा लिया है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारा फंड आता है, खुल के बतावे कि फंड कहाँ कहाँ कैसे यूज हो रहा है, बहुत तरह का फंड आया है, कैसे नहीं उसका तनख्वाह होगा, वो खुल के बतावे कहाँ उसको नुकसान है। मर्जी से होल्डिंग लगा चुके हैं, जो बुझा रहा है वो कर रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल तिर्की जी का कहना गलत है, ये बयान गलत दे रहे हैं और अभी सामने इलेक्शन भी है, फिर उसको समझ में आ जाएगा, जनता उनको जवाब देगी। चुंगी कर को लेकर के हजारीबाग के तमाम लोगों को परेशानी है, लोगों का कहना है कि इस प्रकार के जो चुंगी कर लिया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। इस प्रकार का टैक्स अंग्रेज जमाने में लिया जाता था लेकिन अंग्रेजों से भी बढ़कर आज हजारीबाग के लोगों से कर लिया जा रहा है। तो गाड़ी पर जितने भी प्रकार के टैक्स हैं ये बंद होना चाहिए। अभी आपने सुना कि केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा ने यह भी कहा कि यदि यह तरीका वसूली करने का खत्म नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और यह बंद करने का प्रयास हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। आपका इस विषय पर क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं कि वाकई में चुंगी कर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सफर नया भारत से नए हजारीबाग और नए झारखंड की कामना करते हुए मैं आनंद आर्या
जय हिंद, वंदे मातरम।